हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पंजाबी कढ़ी। ये एक ऐसी डिश है ना जो सभी को बहुत पसंद आती है, मेरी भी फेवरेट है। आई एम श्योर आपको भी ज़रूर पसंद होगी और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। बस कढ़ी को बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें और बहुत ही बढ़िया ये डिश बन के रेडी होती है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज़ जो दही हम कढ़ी के लिए यूज़ करते हैं वो खट्टा दही होना चाहिए। खट्टे दही से ही कढ़ी अच्छी बनती है। और दही और बेसन का जो घोल होता है उसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना चाहिए। इसके लिए मैं मिक्स करती हूँ मिक्सी में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सी ग्राइंडर का जग और इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी बेसन और एक कटोरी खट्टा दही और इसी के साथ थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि ये बेसन और दही का घोल ठीक से मिक्स नहीं हो पाता जिससे कढ़ी फट जाती है, तो इसके लिए अगर ये घोल थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें पानी ज़रूर डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और मेजर करने के लिए एक ही साइज़ का कोई कप या कटोरी रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आधा कटोरी बेसन लिया है और एक कटोरी खट्टा दही। नेक्स्ट एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब कढ़ी बनाएं तो एक बड़ा थिक बॉटम वाला एक बड़े साइज़ का पतीला लें, क्योंकि कढ़ी में उबाल आता है और कढ़ी को काफ़ी पकाना पड़ता है हमें, तो एक बड़ा पतीला ही यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पर मैं ये कुकर का पतीला यूज़ कर रही हूँ, कुकर नहीं बट कुकर का सिर्फ पतीला मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। वैसे तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल से इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। एक बात और, जब हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो उसे कुक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें एक महक रह जाती है। और जब इस तरह से स्मोकिंग हॉट ऑयल रहता है उसमें अगर आप कुछ ज़ीरा वगैरह डाल दें तो वो एकदम से जल जाता है, जिसका कई बार कड़वापन भी आने लगता है। तो हमें करना ये है कि पहले मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से जला लेंगे, पका लेंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए गैस को बंद कर देंगे और तेल जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा गैस को ऑन करके उसके बाद ही ज़ीरा वगैरह डालें। तो अब हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ मेथी दाना, 2 से 3 ड्राई रेड चिली, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड 2 से 3 चुटकी हींग की। अब इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे और ऐड करेंगे एक छोटा टुकड़ा ग्रेटेड अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की कटी हुई और 2 स्लिटेड ग्रीन चिली। मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज। अब इसे इसी तरह सौते कर लेंगे करीबन 30 से 40 सेकेंड्स मीडियम हीट पे और फिर ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। टू टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो कि बहुत तीखी नहीं होती है, सो अगर आप तीखी वाली डालें तो आप उसी हिसाब से डालें। मसाला अगर ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाले भूनने के बाद ऐड करेंगे दही और बेसन का घोल और इसी के साथ सादा पानी। पानी मैं यहाँ पे 5 कटोरी पानी भर के डाल रही हूँ। सो बेसन मैंने लिया था आधी कटोरी और 5 कटोरी पानी। जिस कटोरी से बेसन लिया हो उसी कटोरी से नाप के पानी डालें। अब इसे इसी तरह चलाते हुए हाई फ्लेम पे तब तक पका लेंगे जब तक इसमें एक बढ़िया सा उबाल नहीं आ जाता, उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कढ़ी में उबाल आ गया है, सो अब इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पहले नमक आप थोड़ा कम ही डालें और ज़रूरत पड़े तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब लो हीट पे कढ़ी को पका लेंगे करीबन 25 मिनट और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार कढ़ी को चला लें और फिर इसी तरह पकने दें। अब जब तक कढ़ी पक रही है हम पकौड़ों के लिए एक बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कटोरी बेसन लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। पकौड़ों के लिए बैटर रेडी है, अब इसे ढक के 10 से 15 मिनट रख देंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड सी लेयर आ गई है कढ़ी के ऊपर, तो ये पहचान है कढ़ी की कि कढ़ी पक चुकी है। और इसको पकते हुए करीबन
25 मिनट हो चुके हैं। सो अब ये रेडी है। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके डालें और मिक्स कर लें और एक उबाल आने दें और बस गैस बंद कर दें। कढ़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी और होती है। सो इट्स डन। पकौड़ों का बैटर भी रेडी है। ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया एंड इसे गरम तेल में तल देंगे। तेल को एक बार अच्छे से गरम कर लें और मीडियम हीट पे पकौड़ों को तल लें। पकौड़े डालेंगे कढ़ी में और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हमें लगाना है एक तड़का। एक छोटे तड़के पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और तड़का लगा देंगे। सर्व करें इसे चावल या रोटी के साथ और इसे आप 2 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। इनफैक्ट अगले दिन कड़ी और ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो ट्राई करें इस रेसिपी को। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फर्गेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड टैप द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो सी यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।